अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेशर के रिलेटेड, फ्लूइड प्रेशर के रिलेटेड है ये प्रैक्टिकल। आज हम दिखाएंगे आपको कि अगर इस बोतल में मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो किस पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इस फ्लूड का जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूड, वो बॉटम पे ज्यादा होगा कि यहाँ पे टॉप पे ज्यादा होगा। इसको यहाँ पे दिखाने के लिए इस बोतल में मैंने वाटर डाला है। इस बोतल को मैं तीन अलग अलग हाइटों पे, तीन अलग अलग जो हाइट्स होंगे, फॉर एग्जांपल H1 हाइट, H2 हाइट एंड H3 हाइट, इसको मैं होल्स करूंगा, फिर देखेंगे कि जो फ्लूइड प्रेशर है वो किस पे ज्यादा होगा। फ्लूइड प्रेशर की जो फार्मूला हमारे पास होती है दैट इज गिवन एज P इज इक्वल टू रो जी एच, वायर P इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ द फ्लूइड एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे जो फ्लूइड प्रेशर की एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है रो जी एच। तो यहां पर मैं इस बोतल को अलग अलग हाइट्स पे होल्ड्स करूंगा, देखेंगे कि किस पे सबसे ज्यादा फ्लूइड प्रेशर होगा। पहले मैं यहां पे एक होल करूंगा, इसको ये मैंने एक होल किया है एट हाइट फॉर एग्जांपल H1। यहां पे मैं दूसरा होल करूंगा फॉर एग्जांपल एट हाइट H2। यहां पे मैं तीसरा होल करूंगा एट हाइट H3 और यहां पे मैं फोर्थ होल करूंगा इस बोतल का एट हाइट H4। नाउ लुक हियर दैट, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा जो ये पानी है दूर फेंका जाएगा। यू कैन लुक हियर दैट, पहले नंबर पे है ये, दूसरे नंबर पे है ये, तीसरे नंबर पे है ये। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो इस पॉइंट पे होगा, फिर इस पॉइंट पे होगा, फिर इस पॉइंट पे होगा। जो ये फ्लूइड इसमें कम कम हो जाएगा तो इस पे प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि इस पे जो लिक्विड कॉलम है ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर इसके बाद इस पे प्रेशर कम होगा, फिर इसके बाद इस पे प्रेशर कम होगा जो ही ये फ्लूइड खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पे है, इसी रीजन की वजह से ये जो पानी है सबसे ज्यादा दूर फेंका जाता है। इसके बाद इस पे है, इसके बाद इस पे है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ वी जो रो जी एच है वो यहां पर प्रैक्टिकली आपको मिल गया है, इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, इस पे उससे कम, इस पे सबसे कम फ्लूइड प्रेशर होगा। तो फ्लूइड प्रेशर बेसिकली डिपेंड करता है लिक्विड कॉलम पे। डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी वाटर की और इस हाइट की जो, इस बोतल की जो हाइट है वो भी कांस्टेंट रहेगी। ये खाली डिपेंड करेगा अब किस पे, रो जी एच यानी इस हाइट पे डिपेंड करेगा कि हमने होल कहां पे किया है। तो दिस वॉज लिटिल बिट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। Thanks for joining.